इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H2, C2H2 हमारा क्या है, इथाइन है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऑल राइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। कार्बन के पास होता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड जो हाइड्रोजन होता है उसके पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे आया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 कार्बन का। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाएंगे 2,4 आएगा, एंड जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑल राइट। तो हमारे पास 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन एटम एंड सेकेंड कार्बन एटम, हाइड्रोजन भी है, तो ये हो गया हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो हाइड्रोजन का ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, एंड इस हाइड्रोजन का ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के। आप चाहें तो एक को क्रॉस से, एक को डॉट से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको क्रॉस से कर दीजिए, इसको डॉट से, या फिर इसको डॉट से, इसको क्रॉस से, ऑल राइट। ये हो गया। अब क्या करना है हमें, ऑक्टेट कंप्लीट करना है कार्बन का। तो इस कार्बन की बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी कंप्लीट हो गया ड्यूप्लेट। इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट। एंड इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए 1 2 एंड 3, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तभी इसका ऑक्टेट जाकर के कंप्लीट होगा, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एंड जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम कैसे बना सकते हैं, कार्बन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड का, सिंगल डबल ट्रिपल, फिर हमारा क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड S। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथाइन और एसिटिलीन।